हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पुणे स्ट्रीट फूड सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। आज मैं आपको लेके आया हूँ पिंपले सौदागर एरिया के एक फेमस चौपाटी में, जिसका नाम है कोकने चौक चौपाटी। आज हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्पेशल चीज़ें ट्राई करेंगे जो मैंने बाकी चौपाटी में ट्राई नहीं करी थी, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें और ऑर्डर कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे, मैं हूँ नदीम। लेट्स स्टार्ट। पिंपले सौदागर से कुछ ही दूर पर कोकने चौक है, जहां पर ये चौपाटी चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच। इस चौपाटी में आपको खाने के लिए काफी तरह की चीजें मिल जाएंगी। इसका जो टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे से शुरू होता है, और आपको यहां पर पार्किंग करने के लिए भी ना आराम से काफी जगह मिल जाएगी, तो आप 2-व्हीलर या 4-व्हीलर किसी से भी आ सकते हैं। तो अभी हम आए हैं सबसे पहले स्टॉल पे, और जिसका नाम है शिवम तंदूरी और चाइनीज सेंटर। यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम आप ट्राई कर सकते हैं एक ही छत के नीचे। यहाँ पर आपको चाइनीज मिल जाएगा, आपको तंदूरी मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर आया हूँ मेन जो है तंदूरी के लिए। तो यहाँ पर अभी मैंने ऑर्डर किया है चिकन मिक्स। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरह के टिक्के हैं, यहाँ पर टोटल 6 पीस है। और यहाँ पर है ये देखिए, ये वाला लहसुनी टिक्का है, ये पुदीना है, और ये जो है ये चिकन अंगारा। तो ये 3 तरह के डिफरेंट फ्लेवर आपको एक ही स्टिक में पक्के मिल जाएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लहसुनी वाला ट्राई करता हूँ और बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। अगर पहले इंप्रेशन की बात करें तो इट्स टू सॉफ्ट, मैरिनेटेड रियली वेल। देखिए बिल्कुल ही एकदम ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे से मसाला इसमें लग चुका है। अभी इसे मैं चटनी के साथ खा के देखता हूँ। चटनी भी जो इनकी दही पुदीना की काफ़ी अच्छी लग रही है, ट्राई करके देखते हैं। मज़ा आ गया, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हुआ है, मसाला एकदम ज़्यादा तीखा नहीं है, तो आपको प्रॉपर फ्लेवर आएगा लहसुन का और जितने गरम मसाले उसका। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये जो टिक्के हैं ना, दिस इज़ रियली गुड और अच्छा खासा स्टैंडर्ड इसका। आपको खा के यहाँ लगेगा नहीं कि आप किसी ऐसे चौपाटी पर खा रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई द अदर वन, जो है पुदीना। इसकी भी काफ़ी पतली लेयर जो है चिकन ब्रेस्ट के पीस की है, आई गेस। देखिए अभी इसे ट्राई करते हैं। उतना अच्छा नहीं है जितना लहसुनी वाला था, बट इसमें हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है, पुदीना का है और धनिया का भी हल्का फ्लेवर आ रहा है, बट इट्स गुड। आई थिंक लहसुनी वाला ज़्यादा अच्छा था। अब हम चिकन अंगारा ट्राई करते हैं। इसका जो है टेस्ट आई होप कि अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इन तीनों में सबसे वैसे यही होना चाहिए, क्योंकि अंगारा जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मसालों का काफ़ी अच्छा पंच होना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस। बहुत ही अच्छा है ये वाला जो टिक्का, ये बेस्ट है अमंग ऑल दिस 3। लहसुनी वाला भी अच्छा था, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। इसमें मसाले का अच्छा खासा आपको किक मिलेगा, चिकन के पीसेस है वो जूसी हैं, सॉफ्ट है, एंड इट्स वर्थ द प्राइस। इस 6 जो पीस है इसका आपको पड़ेगा 150 रुपीज़, और आई थिंक इट्स वर्थ इट एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू यू। नेक्स्ट आइटम जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है चिकन चिल्ली। काफ़ी अलग दिख रही है चिकन चिल्ली, डेफिनेटली जो इसका कलर है बिल्कुल सोया सॉस जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इसे। और जो आप एक बात गौर करेंगे ना, जो चिकन के पीसेस हैं ये काफ़ी लंबे हैं, एंड देखते हैं टेस्ट कैसा है। बिल्कुल अलग है, इट्स मोर लाइक फ्राइड चिकन जिसके ऊपर कॉर्नफ्लावर का बैटर है और इसे सोया सॉस के मिक्सर में फ्राई किया गया हो। टोमेटो सॉस इसमें बिल्कुल भी एडेड नहीं है, और काफ़ी अच्छा जो टेस्ट आ रहा है वो जो छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं लहसुन के, अदरक के, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है। बट इट्स मोर लाइक अ ड्राई चिली, आप कह सकते हैं सोया सॉस वाली फ्राइड। इसमें थोड़ा सॉस ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। नहीं, वैसे इसे खा के देखते हैं अभी। अब आया ना मज़ा चिकन चिल्ली वाला, डेफिनेटली सॉस डाल के ही खाइए। इसका प्राइस है 80 रुपीज़, और 80 रुपीज़ में आपको हाफ प्लेट मिलेगा, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो अभी जो हम दूसरी चीज़ यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं वो है लिट्टी चोखा, और इस चौपाटी में ये सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अभी जस्ट मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि वो यहाँ पर यही खाने के लिए ही आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है, प्रॉपरली उसके अंदर सत्तू का जो मसाला है उसे भर के फिर उसे अच्छे खासे कोयले पर तो कुछ देर ग्रिल किया। और मैंने जो ऑर्डर किया है ना वो घी में डिप्ड वाला ऑर्डर किया है, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से घी में डूबा हुआ है। इसके साथ ये सर्व करते हैं, देखिए सलाद, खीरा है, प्याज है, उसके अलावा चोखा जो प्रॉपरली पूरा अच्छे से बनाया गया है, तीखी चटनी है, मिर्च है इसमें, उसके अलावा ये एक स्पाइसी वाली चटनी है। अभी इसे मैं आपको दिखाता हूँ फाड़ के, देखिए। तो देखिए आप, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी फिलिंग की गई है। पहले इसे ऐसे ही खा के देखते हैं खाली कैसा टेस्ट आ रहा है। सत्तू काफ़ी ड्राई ड्राई लग रहा है, जैसे आप पहली बाइट लेंगे ना तो पूरा जो मॉइस्चर आपके मुँह का सोख लेगा। अब इसे ज़रूरी है कि आप ये तो इस चोखा के साथ खाएं, ये तो चटनी में डुबा के, अब इसे चोखा के साथ खा के देखते हैं।
अब आया मज़ा, बहुत ही क्रंची है बाहर से, अच्छी तरीके से इसे जो इन्होंने ग्रिल किया उसकी वजह से चोखा ज़्यादा एकदम स्पाइसी नहीं है, तो आप इसे प्रॉपरली जब खाएंगे ना तो आपका अंदर फीलिंग का टेस्ट भी आएगा और फिर चोखा का भी हल्का टेस्ट आएगा, तो कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है, बट दिस इज़ जस्ट लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच विल डू ऑफ कोर्स मैजिक इन योर माउथ। चोखा में तो इन्होंने नॉर्मल आलू है, बैगन है और खड़ी मिर्ची तो नहीं दिख रही है, वो आप चटनी से इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बहुत ही सही है। ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया था ये स्पेशल वाला है और इसका प्राइस 60 rupees है, क्योंकि इसे लिटरली घी में डिप किया जाता है, तो आप यहाँ पे आएँ तो इसे भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे स्टॉल पे और इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है ना यहाँ पे कि सर दर्द होने लगा था, तो मैंने यहाँ महाराष्ट्र टी स्टॉल से थोड़ा चाय ऑर्डर कर दी है। तो ये महाराष्ट्र टी स्टॉल में वो जो चाय बनाते हैं ना वो जो पीतल के बर्तन में बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसे इतना मिलाते रहते हैं कि ये जो एकदम थिक हो जाती है, जो चाय पत्ती का जो फ्लेवर है ना वो दूध में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत ही रिच है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ठीक है, तो अभी हम पाव भाजी ट्राई करते हैं जो मैंने इस स्टॉल से ऑर्डर करी है। ये है चीज़ पाव भाजी, इसका प्राइस है 100 rupees और जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए इसमें आपको लगभग 3 जोड़ी पाव मिले हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ डाल दी है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ डाल दी है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की लेयर तोड़ रहा हूँ मैं। ये देखिए इसके साथ सर्व किया है इन्होंने नींबू और प्याज। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही अच्छी है, इट्स नॉट टू स्पाइसी, बट अगेन इसमें फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। जो सब्ज़ियाँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से टूट गई हैं, बट एकदम ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया उसका, जिसकी वजह से आप जब खाएंगे तो आपको हल्के से गोभी के टुकड़े भी मुंह में आएंगे और आलू का टुकड़ा भी मुंह में आएगा। और जो जो ये मसाला है ना पाव भाजी का, इट्स रियली फ्लेवरफुल, बहुत ही बढ़िया है। अभी वैसे पाव भाजी अगर आप खाते हैं तो उस पर ज़रूर नींबू और प्याज ज़रूर मिक्स करिए, तो जो टेस्ट है ना वो थोड़ा और बढ़ जाता है। उसकी बात करें साफ सफाई की, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हाइजीनिक तरीके से सर्व की गई है, बटर पेपर रखा गया है, तो ऐसा कुछ फील भी नहीं आएगा आपको कि आप चौपाटी में खा रहे हैं तो अनटाइडी, और इनका बनाने का तरीका तो देखा ही आपने, काफ़ी बढ़िया था। सो इट्स अगेन थम्स अप फ्रॉम माय साइड। तो ये है कचौरी जिसे मैंने ऑर्डर किया है शेगांव कचौरी सेंटर से। इसका रेट बताऊंगा आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ही कम है, बहुत ही किफ़ायती है, ये सिर्फ 12 rupees की है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो फिलिंग की गई है वो जो दाल होती है पीस की उसकी फिलिंग की गई है, बहुत ही पतली है ये, और इसे इन्होंने इमली की मीठी चटनी और दही डाल के ऊपर से फाइनली सेब ऐड करके सर्व किया है। इसे ट्राई करके देखते हैं। काफ़ी अच्छी है, ऐसे बहुत अच्छे तरीके से तला है उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। आउटर लेयर इज़ क्रिस्प, अंदर की जो फिलिंग है जो पिसी हुई दाल की, देखिए 12 rupees, दिस इज़ रियली गुड कचौरी यू कैन हैव। तो इस चौपाटी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही कुछ आइटम अवेलेबल है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डोसा हो गया, पानीपुरी हो गई, चाट हो गया, सैंडविच हो गया। यहाँ पे चाप हाउस का भी आउटलेट है, वो मैंने फैब चौपाटी वाले वीडियो में ट्राई किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली हम चलते हैं फालूदा खाने के लिए और फिर उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। तो ये है बरखा देवी कुल्फी और आइसक्रीम, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो है यहाँ का फालूदा। मैंने स्पेशल फालूदा ऑर्डर किया है, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसका जो मेन होता है बेस वो होता है बादाम रबड़ी, और उसके अलावा इस पे थोड़ा सा आइसक्रीम भी डालते हैं, उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स के जो फ्लेक्स होते हैं उसको डालते हैं, और इसमें वो जो सब्ज़ा होता है उसे मिक्स करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सिरप वगैरह डाल के ये अच्छे से इसे सर्व करते हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रोज़ सिरप की वजह से इसमें थोड़ा सा जो गुलाबी कलर भी आ गया है, तो इसे खा के देखते हैं अभी ये कैसा लग रहा है खाने में। बहुत ही बढ़िया है, जो बेस है इसका, जो रबड़ी का जो बेस रहता है इसमें वो ज़्यादा मीठा नहीं है, इसकी वजह से काफ़ी ही अच्छा आपको सेटिस्फैक्ट्री फील आएगा जब आप इसे खाएंगे। राजभोग, अमेरिकन और केसर पिस्ता, ये तीन टाइप के स्कूप इसमें डलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर आता है, तो जैसे जैसे आइसक्रीम घुलती जाती है वैसे वैसे अलग टाइप का स्वाद आता जाता है। इधर है ना चॉकलेट आइसक्रीम अच्छा है, फालूदा अच्छा है, मस्तानी भी अच्छी है, आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। और ये चौपाटी में खाने की भी चीज़ें रिजनेबल रेट पे मिलती है। हम यूज एंड थ्रो ही वापरते हैं, पेपर ग्लास यूज करते हैं, सब ध्यान रख के ही काम करते हैं। जैसा कि भैया ने आपको बताया यहाँ पर हाइजीन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है, और टेस्ट इट वॉज रियली गुड। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी अवेलेबल है, कोन वाली आइसक्रीम है, जो डब्बे में मिलती है वाली आइसक्रीम है, तो आप आराम से लेके खा सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई द स्पेशल फालूदा। तो गाइज ये था एपिसोड कोकोनट चौक चौपाटी पे, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने कुछ स्पेसिफिक डिशेस ही ट्राई करी, बट यहाँ पर और भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, यू कैन डेफिनेटली कम एंड ट्राई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस घंटे को भी दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो भी लेटेस्ट वीडियो आया है वो आप फौरन देख सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।